नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो क्लास चल रही है और साथ ही हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसको कंबाइन करके हम लोग एक पूरा क्रैश कोर्स बना रहे हैं। और क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग आंसर राइटिंग आपकी इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो शुरू कैसे होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कार्यक्रम होगा दोस्तों। जो लोग भी जिस भी माध्यम में हो, अपनी शुरू के 15 मिनट ये वीडियो जो होगी वो हिंदी माध्यम में होगी, और लास्ट के 15 मिनट, या आप लोग एक बार सुझाव दे दीजिए कि अलग अलग वीडियो अगर डालना हो तो मैं अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँ। दोनों ही माध्यमों में ये वीडियो रहेगी। और साथ ही दोस्तों, हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ होकर के। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे डेली करंट अफेयर्स का हमारी सुबह 8:30 बजे क्लास होती है, और साथ ही विभिन्न बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। उन बैचेस में आप वीकली आंसर राइटिंग हमारे साथ कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही है ये। ऑफलाइन की फीस जो है वो 7500 है, जिसमें 25 लोग होने वाले हैं। उसके बाद ये फीस 12,500 हो जाएगी, जो कि सिविल लाइन्स में आपको मिलेगी, जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ वीकली आंसर राइटिंग की फीस मात्र 3500 है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 42 टेस्ट मिलेंगे। 42 टेस्ट, आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है जो 15 टेस्ट होंगे वो आपको हिंदी, जीएस, एसएस सभी इसमें कंप्लीट कवर कराया जाएगा। साथ ही हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग के साथ जो है क्रैश कोर्स एक शुरू हो रहा है 5 जनवरी को, इसमें आप जुड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, और भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग कार्यक्रम चलता है, हमारा ट्रिपल एक्शन बैच है प्रीलिम्स के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी आरओ और एनुअल आंसर राइटिंग, और साथ ही साथ हमारा एसे और हिंदी का भी बैच चल रहा है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कि किस माध्यम से हम लोग इस पूरे सेशन को कवर करेंगे। पहले तो हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भारत आजाद आज भी पड़ोसी प्रथम की नीति का पूर्णतः पालन कर रहा है। तो हमारे जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में विभिन्न थ्योरी की बात करते हैं, जो हमारी जो आइडियोलॉजी है उस पर बात करते हैं, तो एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट, और आप जो है एक्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, लुक वेस्ट, लुक ईस्ट, इस तरीके की पॉलिसीज जो है जो नाम के आधार पर देखी जाती हैं, उनके आधार पर आपको वर्णन करना है कि इस पूरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन कौन से तथ्य हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे निकट पड़ोसियों से संबंध बहुत ही अच्छे और बुरे दोनों रहे हैं, तो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन को हम बात करेंगे। इंग्लिश में हम देख लेंगे, व्हाट आर द मेन फैक्ट्स दैट इंडिकेट दैट इंडिया इज फुली फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट टूडे डिस्कस। तो इसके बारे में हम देखेंगे, जब भी हमारी ये पॉलिसी इंद्र कुमार गुजराल के समय जो है लागू की गई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन में इसके संकेत दिए गए थे, लेकिन जो मोदी 1.0 यानी कि मोदी प्रथम गवर्नमेंट जब बनी थी, तो उसमें क्या क्या सुधार लाए गए और क्या हम लोग फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, हम लोग एक इनोवेटिव कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम क्रैश कोर्स के साथ साथ आंसर राइटिंग भी इंक्लूड करेंगे, और इसकी फीस मात्र 5500 है। जो लोग भी पहले 50 लोग ही, हम लोग 50 लोगों को ही गाइड कर पाएंगे, मात्र 5500 है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप आदि भी दी जाएगी। इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। और मुख्य परीक्षा की फ्री तैयारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार होती रहेगी, आप लोग जरूर उसको देखें। तो चलिए हम देखते हैं, पूर्व विदेश मंत्री हमारे इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में निर्णायक पहल की थी, जिसे भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी प्रथम नीति के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है 2.0 इस समय है, इसे पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बड़े भाई की तरह होना चाहिए। क्लियर है ना, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो किससे होना चाहिए, बिग ब्रदर हम जो फील करते हैं, स्पेशली जो हमारा दक्षिण एशिया है, उसमें हम बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, जिससे हम पड़ोसियों को या अपने छोटे भाइयों को क्या करते हैं, सहयोग और सकारात्मक जो है हमारी पॉलिसी है, जिसमें को एग्जिस्टेंस, हमारा म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, और हम जो है सपोर्ट और सहयोग के साथ वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके के डेली आंसर राइटिंग कार्यक्रम हमारे होते हैं, आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके आप अपने उत्तर लेखन का सुधार कर सकते हैं। यदि वर्तमान संबंध में बात की जाए तो भारत पड़ोसी प्रथम की नीति पर तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा में 6 महत्वपूर्ण समझौते हुए, तो आपको क्या करना है इसकी एक फ्रेमिंग करनी है, ब्रेन में आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग की क्या है कि भाई व्हाट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को पहले आपको छोटा सा बताना है, उसके बाद ये दिखाना है कि भारत के नेबर्स कौन है। तो आप जो है एक छोटा सा मैप आप बना सकते हैं, मैप के माध्यम से इस चीजों को दिखा सकते हैं, हालांकि मैंने जो बताया है। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। अब इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे जो निकट पड़ोसी हैं वो और समुद्री पड़ोसी हैं, उन सभी की बात हम करेंगे यहां पर। तो निकट पड़ोसी हमारा सबसे करीबी जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है कुछ इधर आ जाएंगे आप तो अफगानिस्तान है, ठीक है ना, इसमें दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, अफगानिस्तान। साथ ही इधर आपका चीन का हिस्सा आता है, इधर जो है चीन है, तिब्बत चीन, इधर आपका नेपाल है, ये भूटान है, ये अपना जो है बांग्लादेश यहाँ तक घुसा पड़ा है, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है, इधर आपका म्यांमार है, ठीक है ना, नीचे तक आप जाएंगे तो थाईलैंड है, ठीक है, ये आपके जो सीमा बनाते हैं ये मुख्यतः इतने हैं, कुल 7 हैं, यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार, 3 भूटान, चौथा जो है आपका नेपाल, 5वां चीन, 6ठा जो है अफगानिस्तान और 7वां जो है पाकिस्तान। उसके बाद मालदीव छोटा सा देश है, ठीक है, ये है, और आपका ये बांग्लादेश है और सॉरी श्रीलंका है, और ये सभी हमारे जो है सटे हुए पड़ोसी हैं जिनके माध्यम से इधर आपका पूरा चीन का हिस्सा है 5वां। तो कुल ये, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इधर जो है आपका सिंगापुर, थाईलैंड और जो है पड़ोसियों में साउथ ईस्ट एशिया के रूप में लोग देखते हैं हम इन सभी को। तो दोस्तों ये आपकी कंप्लीट जो है पड़ोसियों की, जो खास करके साउथ एशियन हमारे कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्हीं को हम फोकस करते हैं जो कि हमारे पड़ोसी प्रथम के रूप में जाने जाते हैं। अब क्या भारत वर्तमान में, देखिए हमारे जो संबंध है मात्र 2 देशों से, यानी कि पाकिस्तान से और चीन से हमारे संबंध जो है अच्छे नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि इसको हम लोग दुश्मन देश कह सकते हैं, एनिमी कंट्री कह सकते हैं। तो इनको छोड़ करके हमारे अन्य देशों से क्या क्या वर्तमान में डेवलपमेंट हो रहे हैं एज अ ट्रेड, एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज अ काउंटर पार्ट अपने डेवलपमेंट में, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर के, आप जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, या वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से हम कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका, वो सभी बातें जो है आपको यहाँ पर बतानी है। क्योंकि हमारे पास शब्द मात्र 200 हैं तो इसलिए हम लोग लिमिटेड चीजें कहेंगे, यहाँ पर लिमिटेड चीजें लिखेंगे और लिमिटेड चीजों को समझ करके इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आप चाहे तो एक मैप भी छोटा सा बना सकते हैं, और मैप जैसे जिस तरीके से आप डाइवर्सिटी लाएंगे दोस्तों, आप अपने आंसर में डाइवर्सिटी लाएंगे तो उसमें उत्तर आपको अधिक अंक मिलने की संभावना रहती है। और क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, पॉइंट वाइज कम शब्दों में अगर आप अपने उत्तर को लिखेंगे तो वो उतना ही अच्छा है। आपको पता है ज्यादातर चीजें आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, वी विल टीच, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हमारी टीम जो है और हम लोग मिल करके आपको बहुत कुछ अलग तरीके से नहीं सिखाते, सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग आप देखेंगे तो ये हमारा जो मॉडल आंसर है, ये भी इससे भी अच्छा मॉडल आंसर लिखा जा सकता है, आप में से बहुत सारे लोग जो है इससे अच्छे भी आंसर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि सटीक और सधे शब्दों में, कम शब्दों में आप कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करें, क्लियर है ना। तो पहले हमारा जो देश है अपना नेपाल, उस पर हम बात कर लेते हैं कि अभी प्रधानमंत्री की जो नेपाल यात्रा थी उसमें क्या क्या चीजें जो है डेवलप हुई हैं, किस तरीके से हमने जो है उनके साथ समझौते किए। तो कुल 6 समझौते हैं, आप अलग तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जैसे
छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए कौन से? डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन पीठ की स्थापना आईआईटी मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच स्नातकोत्तर यानी कि पीजी स्तर की संयुक्त डिग्री का करार करना, भारत नेपाल के मध्य जो है अरुणा फोर हाइड्रो परियोजना जो है उसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र है की स्थापना करना, ये दो बार बौद्ध हो गया है, और नेपाल में भारत के रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। ये कुछ कुल छह समझौते हुए हैं जो कि अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है ना। नेपाल के अलावा हमारे निकट पड़ोसी बांग्लादेश के साथ भी हाल ही में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलमार्ग पर मालगाड़ी का संचालन शुरू हो गया है। तो अभी आपने देखा 2021 में बांग्लादेश का शेख मुजीबुर रहमान दिवस जो मनाया जाता है और साथ ही उनकी जयंती भी मनाई गई, और पाकिस्तान द्वारा अलग होकर के इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों 1971 में, जो बांग्ला मुक्ति संग्राम था, भारत ने उसमें पार्टी बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी, अब देखेंगे आफ्टर कोविड इंडिया प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट विजिट वॉज द बांग्लादेश विजिट, ठीक है ना। बांग्लादेश की जो विजिट थी वह जो है पहली विजिट थी कोविड के बाद जो है, जो हमारी भारत करके जो आपकी एयरफोर्स वन जैसे उनकी अमेरिका की जो प्लेन है वह प्लेन में पहली यात्रा मोदी जी ने किसमें की थी, भारत, जो हमारा इंडियन एयरलाइंस का जो विमान है जिस जो स्पेशली जो है हमारे नेशन हेड के लिए बनाया गया, उससे पहली यात्रा मोदी जी ने की कहां पर की थी, उन्हीं क्या की थी, और कई सारे हमारे और भी वहां पर क्या हुए थे, सहयोग हुए थे, कई सारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कार्यक्रम ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8802913517 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलमार्ग, और आप देखें ना कि बहुत सारी फेनी नदी है, फेनी नदी पर हमने प्रोजेक्ट बनाया है, और भी कई नदियों से नदी समझौते हुए हैं, कई जो है हमारे ट्रेड चिटगांव जो है बंदरगाह डेवलप करने के लिए अन्य समझौते हुए हैं। तो रेलगाड़ी जो मालगाड़ी का संचालन शुरू हो गया है। बांग्लादेश को भारत ने सभी संभव आर्थिक मदद का आश्वासन हमेशा से दिया है, और जैसे कि हसीना सरकार जो है वो मोदी और हसीना की जो जो ये जुगलबंदी है ये काफी आगे तक दोनों के संबंधों को ले जा रही है, और हमारा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था वो काफी हेल्पफुल रहा, बांग्लादेश और भारत के बीच जो है समझौता हुआ है वो काफी हेल्पफुल रहा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि नदी जल परियोजना जो है, खास करके अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं तीस्ता नदी और अन्य नदियों को लेकर के समस्याएं हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहां पर समस्या है एक हमारे इन्फिल्ट्रेशन की, इन्फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि हमारे जो है सैनिकों का अवैध जो है आवागमन यहाँ पर बहुत तेजी से है, जो अवैध प्रवासी हैं, माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है, और जब से रोहिंग्या वाली समस्या है वो भी भारत बांग्लादेश के भी संबंध समस्याएं हैं। हालांकि ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं, फिर भी हम बांग्लादेश को एक प्रॉपर मदद देने की फिराक में रहते हैं, हमें सहयोग में रहते हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक देशों, विशेषकर जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत के साथ, जो भारत खुद ही है इसमें, के साथ व्यापार के कई नए रास्ते खुले हैं। तो हम जो है जो निकट पड़ोसियों को हम मदद कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, भारत ने सार्क देशों के साथ भी कुशल पड़ोसी व बड़े भाई की नीति का पालन किया है। हालांकि भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के कारण सार्क की नियमित बैठकें संभव नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि हमारी समस्याएं कुछ हैं कुछ हद तक, लेकिन बिम्स्टेक के माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जब श्रीलंका आर्थिक संकट की गंभीर समस्या से गुजर रहा था, तब भारत ने एक कुशल पड़ोसी की तरह मदद का हाथ बढ़ाते हुए $1 अरब की क्रेडिट लाइन क्या होता है दोस्तों, आप एक तरीके का लोन होता है जो समस्या में पड़े या किसी भी प्रकार की राशि को ये क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उन खर्च को भारत जो है बाद में बहुत सस्ता लोन होता है ये समझ लीजिए। और 40,000 टन चावल श्रीलंका को भेजा था। श्रीलंका जो एक भयंकर इमरजेंसी से गुजर रहा है, भयंकर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो भारत ने उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्ता पलट के बाद भी भारत ने कई हजार टन जो है खाद्यान्न की मदद की है, और साथ ही दोस्तों हम देखेंगे
इस तरीके से हम देखते हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो मालदीव हो, मालदीव में हमने वैक्सीन और जितनी भी मेडिकल सुविधाएं थी वो प्रदान की, साथ ही साथ हमारा जो है अन्य जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है, म्यांमार के साथ हमारा अच्छे संबंध है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्य जो है इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत वर्तमान में पड़ोसी प्रथम की नीति का पूर्णतः पालन कर रहा है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। हालांकि समस्याएं हैं कुछ, हमारे दुश्मन देश हैं जो चीन है, पाकिस्तान है, वो हमें परेशान करते रहते हैं, और कुछ अन्य देशों से भी हमारी समस्याएं हैं, नेपाल जो हमें कभी कभी आंख उठाकर देखता रहता है, साथ ही हमारे बांग्लादेश से भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम जो है बिग ब्रदर की भूमिका निभाते रहते हैं। इसी को सेम जो है हमने सेम तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें होती हैं, क्योंकि भाषा बदलने पर जो है आपकी उत्तर लेखनी भी बदल जाती है। तो व्हाट आर द मेन फैक्ट्स दैट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज फुली फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट टूडे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया अ कोर कॉम्पिटेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फोकसेस ऑन द पीसफुल रिलेशन एंड कोलेबरेटिव synergetic with its South Asian neighbors. Firstly, it was proposed by the I.K. Gujral in Gujral Doctrine, expanded by the present Prime Minister Narendra Modi. Present Prime Minister Narendra Modi ने, जैसे हमने देखा था कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो अपने सभी जो है पड़ोसी देशों के leaders को बुलाया था, सभी के साथ जो है यात्राएं की थी, तो ये एक indication है नए जो हमारे प्रधानमंत्री जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उनके साथ जो है विभिन्न जो हमारे पड़ोसी देशों को प्राथमिकता इन्होंने दी थी। क्लियर है ना? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वेरी एफिशिएंटली नाउडेज, वी कैन सी इट एज फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू नेपाल, बोथ द कंट्रीज साइंड सिक्स एग्रीमेंट्स नेम्ड डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन बेंच इन लुम्बिनी एस्टैब्लिश्ड बाय द बोथ कंट्रीज। इन दोनों ही देशों के द्वारा जो है डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन बेंच की स्थापना की गई। एग्रीमेंट ऑन ज्वाइंट पीजी डिग्री बिटवीन आईआईटी मद्रास एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी हैज बीन एग्रीड। एंड थर्ड है कि आपका अरुणा फोर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, अरुणा फोर प्रोजेक्ट का की एक बहाली की गई, और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर इन लुम्बिनी एंड रूपे कार्ड लॉन्च बाय द इंडिया इन नेपाल। ये कुछ समझौते हुए भारत और नेपाल के बीच में जिनके बारे में हमने अभी देखा था। बिसाइड्स नेपाल, इंडिया आल्सो लॉन्च्ड अ कॉमर्शियल रेलवे वैगन व्हील नेम्ड हल्दीबाड़ी चिल्हाटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड बांग्लादेश सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, और हम उसे बहुत तरीके से पाकिस्तान से आजाद कराने में भी हमारी प्रमुख भूमिका थी। There are many opportunities are developing regarding neighbors, especially BIMSTEC countries. India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Myanmar, Sri Lanka and Thailand are the members of the BIMSTEC countries. आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि BIMSTEC जो है संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसके इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इंडिया आल्सो मैनेज अ वेरी गुड रिलेशंस विद सार्क कंट्रीज, बट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैम्पर्ड इट एट लार्ज, दैट्स व्हाई वी कुडंट ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस। ये जो आपका शिखर सम्मेलन होता था, स्पेशली जो एनुअल शिखर सम्मेलन होता था, आपका एनुअल मीटिंग होती थी, वो सार्क की ऑर्गेनाइज नहीं किया जा की जा रही है ड्यू टू द टेरर एक्टिविटीज स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर एक्टिविटीज, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड टू ऑर्गेनाइज एनी कॉन्फ्रेंस बिटवीन एमंग द सार कंट्रीज। इंडिया ऑल्सो मैनेज अ वेरी गुड रिलेशन विद सार कंट्रीज, बट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैम्पर्ड इट एट लार्ज। Recently, India helped Sri Lanka $1 billion credit line and availed 40,000 ton rice during its economic crisis and emergency. Even after the military coup by the Taliban in Afghanistan, India sent grains and necessary items, especially जो medical items हैं और अन्य चीजें जो है भारत ने इसको भेजी है। That's why we can say that India is following the neighborhood force policy very efficiently। इसको एक conclusion के रूप में आप लिख दीजिएगा।
मेरे ख्याल से आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने कमेंट जरूर प्रस्तुत करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, और हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे ये क्लास जो है रेगुलर पर डे जो है हमारा टारगेट है कि ये 42 क्लासेस हैं, इसको मैं आपको आपके सामने जो है प्रेजेंट करूंगा, जिसमें एक क्लास में थ्योरी चल रही है, यानी कि एक दिन जो है थ्योरी होगी और उसके नेक्स्ट डे जो है आपका आंसर राइटिंग होगा। तो इसको आप लोग जरूर फॉलो करें, हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। और दोस्तों हमारी एक अलग जो है 6 मंथ्स की हाफ ईयरली करंट अफेयर्स चल रही है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन करें। सुबह 10 से 10:30 से 11:30 तक होती है, 11:30 तक, जिसमें हम लोग नेशनल अफेयर्स कर चुके हैं, और ये मुश्किल से जो है 11-12 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। 13 कंप्लीट क्लास दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।